आदरणीय डॉक्टर रमेश अग्रवाल साहब, अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कासलीवाल जी, कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं, मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि आप सब लोगों के बीच में आज मुझे एक शानदार शुरुआत जो रमेश जी के नेतृत्व में यहाँ हुई कुछ वर्षों पूर्व, अजमेर प्रेस क्लब की बिल्डिंग बनाने की, और आज वो सामने साकार रूप ले रही है। 3 मंजिला भवन इसका बन गया। मैं समझता हूँ जयपुर के बाद में, जयपुर में और यहाँ में फ़र्क ये है कि जयपुर की तो प्रेस क्लब की शुरुआत सरकारी भवन में हुई थी, बाद में उसमें एक्सटेंशन हुआ है, लेकिन यहाँ तो तमाम चीज़ आप लोगों ने शुरुआत से ही कंस्ट्रक्शन आप ही लोगों ने करवाया है। कोई भी सरकारी इसमें भवन नहीं है, ये आप ही लोगों के प्रयासों से आज ये फलीभूत हुआ है। तो मैं तमाम रमेश जी के नेतृत्व में सभी टीम के साथियों को बधाई देना चाहता हूँ, और मुझे खुशी है इस बात की कि जिन जनप्रतिनिधियों ने या जिन दानदाताओं ने, जिन सहयोगियों ने इस पुनीत काम में सहयोग दिया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, उसमें काम करने वाले हमारे सारे बंधुओं के लिए, उनका तनाव दूर करने के लिए, उनके निजी जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ आके वो आपस में मिल भी लेते हैं, चर्चा भी हो जाती है, सब तरह की बात है। हर जगह पे हमारी ये मान्यता है कि प्रेस क्लब होने चाहिए, और प्रेस क्लब भी सारी सुविधाओं से युक्त होना चाहिए, ताकि मीडिया के बंधुओं के लिए भी एक सुविधाजनक स्थान आपस में मिलने का और बैठने का, अपना तनाव दूर करने का, मनोरंजन करने का उनको एक अवसर मिल सके।